सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्णवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं, पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर अब नए और भव्य रूप में। टाटा का उच्च स्तरीय तकनीक वाला इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद वोल्टास व वोल्टास बेको का शानदार शोरूम खुल गया है बड़ा चौक। यहाँ हर खरीद पर उपहार, किफायती रेट और फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। 100 वर्ष पुरानी काजीमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध है, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमली हार्डवेयर। हड्डी जोड़ों व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित। ओडिशा के राउरकेला साइबर थाना पुलिस ने अहिल्यापुर थाना पुलिस के सहयोग से 3 शातिर साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। ओडिशा के एक रिटायर्ड रेलवे कर्मी के बैंक से उड़ाए थे लगभग 15 लाख रुपए। अहिल्यापुर से 2 तो जामताड़ा से 1 आरोपी को किया गया गिरफ्तार। सोनबाद के पतारी गांव से गायब नाबालिग लड़की को बेंगाबाद पुलिस ने बोकारो से किया गिरफ्तार। नाबालिग को बहला फुसला कर भगाने की फिराक में था आरोपी सुलेमान अंसारी। ट्यूशन जाने के दौरान नाबालिग से की थी दोस्ती। सदर अस्पताल में कराया गया नाबालिग का मेडिकल जांच। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कई जगहों पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। पतंजलि परिवार के द्वारा रेडक्रॉस भवन में किया गया योग प्राणायाम और यज्ञ हवन। इधर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में भी मनाया गया गुरु पूर्णिमा महोत्सव। आरएसएस के द्वारा भी आयोजित हुआ कार्यक्रम। व्यक्ति के जीवन में गुरु के महत्व पर डाला गया प्रकाश। और सीहोडी में राम जानकी फैशन के द्वारा लगाया गया निशुल्क कावरिया शिविर। सदर विधायक व गांडे के निवर्तमान विधायक समेत कई गणमान्य रहे मौके पर मौजूद। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स टॉप कुर्ती स्कर्ट लहंगा लॉन्ग फ्रॉक सरारा सूट स्ट्रेट पैंट गाउन नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स कैंपस बहामास लिबर्टी वीकेसी जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में मकतपुर गिरिडीह। गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हां, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा, पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन सीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ MDF, WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इंग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है, तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें। पता नोट कर लें, टुंडी रोड मोहनपुर मोड़ गांधी श्रीरामपुर रोड गिरिडीह। उड़ीसा के राउरकेला साइबर थाना पुलिस ने अहिल्यापुर थाना पुलिस के सहयोग से 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर गिरिडीह कोर्ट में बुधवार को पेश कर अपने साथ लेकर गई। इस बाबत पुलिस अधिकारियों ने बताया कि राउरकेला साइबर थाना में कांड संख्या 13/2021 के तहत इन अपराधियों के खिलाफ 15,56,000 रुपए की अवैध निकासी का मामला दर्ज था। मोबाइल लोकेशन के आधार पर अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के जामजोरी गांव से रजाउल अंसारी और फुलझरिया गांव से आरिफ अंसारी और जामताड़ा जिला के नारायणपुर थाना क्षेत्र के कोरीडीह गांव से जमशेद अंसारी नामक युवक को गिरफ्तार किया। बताया गया कि इन शातिर साइबर अपराधियों ने एक रेलवे रिटायरमेंट कर्मचारी से बैंक अधिकारी बनकर फोन करके एक बार OTP लिया और उनका मोबाइल नंबर हैक कर 2 दिन में ही 15,56,000 रुपए की अवैध निकासी कर ली थी। We'll be right back.
धनबाद के पतारी गांव से गायब नाबालिग लड़की संग आरोपी युवक को बेंगाबाद पुलिस ने बोकारो से गिरफ्तार कर लिया है। सदर अस्पताल में नाबालिग लड़की का मेडिकल जांच करवाया गया, जिसके बाद बुधवार को इसे धारा 164 के बयान हेतु गिरिडीह कोर्ट लाया गया। वहीं आरोपी सुलेमान अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर गिरिडीह जेल भेज दिया है। युवक बनहत्ती गाँव का रहने वाला है। यह मामला बेंगाबाद थाना कांड संख्या 164/22 से जुड़ा हुआ है। नाबालिग इंटर की छात्रा है, जबकि युवक सुलेमान अंसारी सिहोडी के एक एल्युमिनियम फैक्ट्री में काम करता है। बताया गया कि मंगलवार की सुबह साइकिल से छात्रा ट्यूशन के लिए घर से निकली थी। काफी देर बाद भी छात्रा जब घर वापस नहीं लौटी तो परिजन उसकी खोजबीन करने लगे, परंतु छात्रा का कोई सुराग नहीं मिला। इस सिलसिले में परिजन बेंगाबाद थाना में आवेदन देकर पुलिस को घटना की सूचना दिए। थाने में दिए गए आवेदन के आधार पर पुलिस ने थाने में मामला दर्ज किया। परिजन द्वारा थाने में दिए गए आवेदन में उल्लेख किया है कि ट्यूशन के लिए घर से निकली छात्रा को शादी की नियत से बहला फुसला कर भगाकर ले जाने का आरोप लगाया था। इस बीच बोकारो के छाताटांड रेलवे स्टेशन पर युवक के संग नाबालिग लड़की पर जीआरपी महिला पुलिस की नजर पड़ गई। संदेह होने पर महिला पुलिस के द्वारा दोनों से गहन पूछताछ करने लगी। फिर दोनों का आधार कार्ड जांच किया गया, तब जाकर मामला स्पष्ट हो पाया कि दोनों फरार होने की फिराक में लगे हैं। फिर जीआरपी पुलिस ने बेंगाबाद पुलिस को इसकी सूचना दी, तब जाकर मामला स्पष्ट हो गया। बेंगाबाद पुलिस ने दोनों को बोकारो के छाताटांड स्टेशन से अपने अभिरक्षा में ले लिया। बताया जाता है कि ट्यूशन आने जाने के दौरान नाबालिग लड़की से युवक की दोस्ती हुई थी। पतंजलि परिवार गिरिडीह के द्वारा बुधवार को रेडक्रॉस भवन में गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। यहां सबसे पहले लोगों ने योग प्राणायाम किया, बाद में भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी नवीन कांत सिंह के द्वारा यज्ञ हवन कराया गया। साथ ही लोगों को गुरु शिष्य परंपरा के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इधर जिला मीडिया प्रभारी पुष्पा शक्ति ने अपने उद्बोधन में कहा कि पहला जन्म माँ के गर्भ से होता है और दूसरा जन्म गुरु के सानिध्य में प्राप्त होता है। गुरु ही जीवन जीने का सलीका सिखलाते हैं। मौके पर अधिवक्ता प्रभात खेतान, सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर आरती वर्मा, पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी परमेंद्र कुमार आदि ने अपना विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में जया सिन्हा, गीता देवी, प्रेमलता देवी, नीतू साहू, अरिंदम घोषाल आदि ने भजन प्रस्तुत किए। अंत में यहां यज्ञ हवन कुंड में बुराई का त्याग की आहुति दी गई और अच्छाई को ग्रहण करने व अपने गुरु के सानिध्य में रहकर उनके आज्ञा का पालन करते हुए योग, आयुर्वेद और स्वदेशी का व्रत पालन करने को आत्मसात करने की लोगों ने प्रतिज्ञा ली। कार्यक्रम में राज्य कार्यकारिणी सदस्य चंद्रहास कुमार, युवा भारत के जिला प्रभारी रणधीर गुप्ता, संगठन मंत्री ब्रजकिशोर गुप्ता, महामंत्री प्रेमलता अग्रवाल, जिला प्रभारी परमेंद्र कुमार, मोहन बगड़िया, उत्कर्ष गुप्ता, पिंकी खेतान, मीणा कंदवे, रश्मि कंदवे, सपना राय, लक्ष्मी छाया, ललिता बर्णवाल, रीमा अग्रवाल, सुरेश खत्री, समता देवी, सीमा लाल, प्रीति सिन्हा, मधु सिंह, प्रमिला सिन्हा, ममता कंदवे, प्रियंका शक्ति, रूबी देवी, रूबी अग्रवाल, पुष्पलता त्रिवेदी, आशा त्रिवेदी, उषा देवी, मृदुला सिन्हा, सुपूर्णा मुखर्जी, माला बैनर्जी, राधिका सिन्हा, रीना सिन्हा, स्मिता राय, नीलम सिंह, उषा अग्रवाल, सुधा अग्रवाल, जोशी, रिंकू अग्रवाल, ऋतिक गुप्ता, भानु प्रताप आदि सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गिरिडीह रेड क्रॉस भवन में जहां प्रतिदिन योगाभ्यास होता है, इसी स्थान पर गुरु बंधुओं और गुरु भग्नियों के द्वारा हवन, गीत, संगीत, भजन, प्राणायाम आदि का कार्यक्रम हुआ और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आज गुरु पूर्णिमा को पतंजलि परिवार ने मनाया है। और इस गुरु पूर्णिमा में गुरु का संदेश होता है कि जो गुरु का संदेश है, करो योग, रहो निरोग, योग, आयुर्वेद, स्वदेशी का प्रचार प्रसार, इसी संकल्प के साथ आज गुरु पूर्णिमा को गिरिडीह में मनाया गया है। और सारे भाई बहनों से, गिरिडीह जिला के सारे भाई बहनों से निवेदन है, अभी भी जो योग से जुड़ नहीं पाए हैं,
वो योग से जुड़े, अपने स्वास्थ्य समृद्धि का लाभ ले। आज गुरु पूर्णिमा की आप सभी को पतंजलि परिवार गुरु की ओर से हार्दिक अभिनंदन। आज रेड क्रॉस भवन ब्रिज में पतंजलि परिवार की ओर से सामूहिक रूप से एक प्राणायाम योग के साथ साथ हवन कार्यक्रम किया गया और गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। जो एक जन्म तो हमें माँ के गर्भ से मिलती है, लेकिन दूसरा जन्म जो होता है, जो हमारे गुरुवर होते हैं, जो गुरु आते हैं और वो गढ़ने का कार्य करते हैं, तभी एक मनुष्य पूर्णतः मनुष्य कहलाते हैं। तो आज उसका सभी ने संकल्प लिया और गुरु दक्षिणा अपने अपने बुराई को छोड़ करके दिया सभी। अगर आप अपने बच्चों के लिए रेडीमेड स्कूल ड्रेस या कपड़े लेकर सिलवाना चाहते हो तो गांधी चौक स्थित शंभू वस्त्रालय अवश्य पधारें। यहां कारमेन, डीएवी, हॉली क्रॉस, एसएसडीएम या अन्य कई स्कूलों के स्कूल ड्रेस होलसेल दाम में उपलब्ध हैं। और अगर कपड़े लेकर ड्रेस सिलवाना चाहते हो तो उसकी भी व्यवस्था है। तो स्कूल ड्रेस के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता शंभू वस्त्रालय, गांधी चौक, गिरिडीह। सीओडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहां जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में सीओडी गिरिडीह। पूर्णिमा के शुभ अवसर पर संगीत सम्राट पंडित शंभू दयाल जी केडिया के गांधी चौक स्थित आवास में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया गया। यहां सबसे पहले देवराहा बाबा की पूजा अर्चना की गई और साथ में भजन कीर्तन का भी आयोजन हुआ। इस मौके पर केडिया जी के कई शिष्यों ने इनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर धूमधाम से आरती वंदना हुई और प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर सुल्तानगंज के बाबा मुकुट केडिया, मनोज केडिया, श्रवण केडिया, सुनील केडिया, रामकिशन केडिया, रामकुमार, रविशंकर सिंह, प्रभाकर आलोक, राग यमन, नरेश पंडित, कांति दास, दलप राय के अलावा अन्य शिष्यगण मौजूद थे। गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडी के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहां राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहां डिजिटल टाइल्स, अल्ट्रा चार्ज, VC वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद।
और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टेरियल वाटर टैंक, एस्टेल पीवीसी पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमबोर्ड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजीम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह। खूबसूरत घर का सपना हो तो एक बार जय माता दी मार्बल अवश्य पधारे। जी हाँ, बरवाड़ी पुराना पुलिस लाइन के निकट स्थित जय माता दी मार्बल में हर प्रकार के टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी, बाथ फिटिंग वगैरह उपलब्ध है। भारत के प्रसिद्ध ब्रांड सेरा, स्पेंजा, इटानो, वॉल्वी, टेक्सारो के अधिकृत विक्रेता जय माता दी मार्बल में वेट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, वॉल डेकोर टाइल्स, प्लेटिनम टाइल्स, किचन वॉल टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, हेवी ड्यूटी पार्किंग टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, सिंक मिक्सर, शावर वॉल मिक्सर, बेसिन मिक्सर, वॉल मिक्सर, वुड बेसिन, किचन सिंक, सूट कम्बोर्ड, पेडिस्टल बेसिन, टेबल बेसिन, शावर, हैंगर, नल के अलावा राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, कटनी मार्बल, इटालियन मार्बल, फ्लोरिंग मार्बल, संगमरमर का मंदिर, तुलसी पिंडा वगैरह उपलब्ध है। तो पता नोट कर लें, पुराना पुलिस लाइन मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। सेहोडेन में बुधवार को राम जानकी फैशन द्वारा कावरियों की सेवा हेतु निःशुल्क कावरियां शिविर का उद्घाटन विधिवत रूप से किया गया। यहां सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू, गांडे के निवर्तमान विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा, वार्ड पार्षद अशोक राम ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर आए सभी अतिथियों को अंगवस्त्र देकर स्वागत किया गया। राम जानकी फैशन के संचालक राजकुमार ने कहा कि कांवरियों की सेवा वे पिछले कई वर्षों से अपने आवास बेलाटाड में शिविर लगाकर करते थे। इस बार अपने प्रतिष्ठान सिहोडी में कांवरियों के लिए निःशुल्क भोजन, चाय व रहने की सारी व्यवस्था कर रहे हैं। उद्घाटन के मौके पर आए अतिथियों ने शिविर के संचालक की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि जब भी उन्हें इस शिविर को चलाने में कोई आवश्यकता होगी वे हर संभव मदद करेंगे। उद्घाटन के मौके पर पूर्व जिला परिषद प्रमिला मेहरा, पूर्व मुखिया संगीता कुमारी, संदीप शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद स्वर्णकार, सुशील शर्मा, चुनमुन राम, अली रजा, पप्पी सिंह, मुखिया प्रतिनिधि डिस्को मंडल, प्रोफेसर सुरेंद्र वर्मा, सीताराम वर्मा आदि लोग उपस्थित थे। राजकुमार जी के माध्यम से कांवरियों की सेवा के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया। ये सावन महीने भर चलेगा। शिव भक्तों के कष्ट निवारण का जो प्रयास राजकुमार जी ने किया है, यह सराहनीय है। ईश्वर से हमारी भी प्रार्थना है, खास करके महादेव से प्रार्थना है कि शिव भक्तों के साथ साथ राजकुमार जी और हम लोगों पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। में राम जानकी फैशन द्वारा कांवरियों की सेवा के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया है। तो ये शिविर आज के लिए नहीं है, ये शिविर 30 दिनों के लिए लगातार है। जो हम कांवरिया इंटरडी से निकलते हैं, विभिन्न जगहों से, जिस रास्ते से जो गुजरेंगे, जो सुल्तानगंज जाएंगे, सुल्तानगंज से जल लेकर के बाबा धाम में पहुंच करके जल चढ़ाएंगे, तो वैसे कांवरियों को मार्ग में सुविधा मिल सके। जो देर रात हो जाएगा तो यहाँ रात्रि विश्राम का भी व्यवस्था है। यहाँ पर भोजन है, चाय है, पानी है, और जो जिस भी प्रकार का भोजन करते हैं, कुछ लोग अगर सूखी रोटी खाते हैं तो सूखी रोटी की व्यवस्था है, कुछ लोग चावल खाएंगे तो चावल की व्यवस्था, कुछ पूरी खाएंगे पूरी की व्यवस्था है, चाय है और शरबत वगैरह की भी व्यवस्था है। तो कांवरियों की सेवा के लिए एक बहुत ही अच्छा शिविर का आयोजन यहाँ राजकुमार जी द्वारा किया गया है, और मैं कहता हूँ कि एक अच्छा प्रयास है। और इन्होंने पहले भी इस प्रकार के आयोजन अपने जो गाँव जेल के बेलाटाड़ हैं, जो गंगाबाद प्रखंड में पड़ते हैं, 2019 में वहाँ से इन्होंने प्रारंभ किया था, और 2020 और 2021 जो कोरोना काल में समय आया जिस कारण से बोलबम का कांवरिया यात्रा बंद था, और ये कांवरिया यात्रा फिर से इस बार जब प्रारंभ हुआ है तो ये फिर से इस बार कर रहे हैं, हर बार करेंगे इसी सोच है। इसीलिए इन्होंने यहाँ उसी अनुरूप व्यवस्था भी विकसित किया है, उसी अनुरूप यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए कमरा, शौचालय, तमाम प्रकार की व्यवस्था भी यहाँ विकसित किया है। और मुझे उम्मीद है कि जनता के प्रति इनकी जो सेवा की भावना और विकसित हो, और इनकी सेवा की भावना को देखते हुए भगवान भी इन पर अपने कृपा बरसाए रखें, भगवान का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त होते रहे और ये हमेशा सफल हो और सुखी हो।
जमुआ थाना क्षेत्र के बरियार निवासी 5 लोग मारपीट में घायल हो गए। बुधवार को सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि मारपीट में कुर्बान मियां, हुसैन मियां, आसिक अंसारी, जमाल मियां व करीम खातून घायल हुए हैं। बताया गया कि इनके गांव के अकबर मियां, अशरफ मियां, रिजवान मियां, पीर मियां, ताजुद्दीन मियां, वारिश मियां, मोहम्मद राजा, एतराज अंसारी समेत अन्य लोग इनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए आए हुए थे। इस क्रम में इनके जमीन पर लगे फसल को बर्बाद कर दिया। इन लोगों को रोक टोक करने पर दूसरे पक्ष ने लाठी, डंडा और लोहे के रॉड से इन पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमला करने पर ये लोग अपने घरों में छिप गए, जिसके बाद इनके घर पर पथराव किया गया और घर में ही घुस के लूटपाट भी की गई। घटना को लेकर इनके द्वारा जमुआ थाने में आवेदन दिया गया है। फिलहाल इनका इलाज यहां चल रहा है। घटना को लेकर दूसरे पक्ष का बयान नहीं लिया जा सका है। उनके बयान के बाद ही पता चल पाएगा कि असल मामला क्या है। चालीस वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नव निर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोर्ट रोड, गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ए के श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं। और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड, गिरिडीह। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बुधवार को गुरु पूर्णिमा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी, राजीव सिन्हा एवं राजीव रंजन ने संयुक्त रूप से महर्षि वेदव्यास के समक्ष दीप जलाकर व पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रधानाचार्य ने कहा कि आज के दिन की प्रासंगिकता कुछ और ही है। गुरु शिष्य परम्परा प्राचीन है। गुरु शब्द अपने आप में व्यापक है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना गया है। आज के आधुनिक समय में किसी भी कामयाब व्यक्ति के जीवन पर नजर डाले तो यह स्पष्ट नजर आता है कि उसको सफलता की बुलंदियों पर पहुंचाने में उसके शिक्षक का अनमोल योगदान रहा है। इस महान परंपरा के अंतर्गत गुरु अपने शिष्य को शिक्षा के साथ साथ अन्य विद्या में भी निपुण करते हैं। उत्सव में बहनों ने सामूहिक गीत और भाव नृत्य प्रस्तुत कर सबों को मंत्र मुग्ध कर दिया। वही बहन अरुणिमा राज, मित्री भैया प्रियांशु कुमार, अनमोल मिश्रा ने महर्षि वेदव्यास जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। तनिष्का ने गुरु महिमा पर बधाई गीत प्रस्तुत किया। बच्चों ने महर्षि वेदव्यास जी पर पुष्प अर्पित कर गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा को निवेदित किया। मौके पर प्रबंधकारिणी समिति के सचिव डॉक्टर पवन मिश्रा एवं उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा ने आचार्य, दीदी एवं कर्मचारियों को वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रमुख अरविंद कुमार त्रिवेदी, अजित मिश्रा, राजेंद्र लाल बर्णवाल, मनीष पाठक, राजेश नंदन, नागमणि सिंह एवं समस्त आचार्य दीदी का सराहनीय योगदान रहा। Thank you.
जिला तालिक साहू सभा की ओर से बुधवार को हुट्टी बाजार साहू धर्मशाला में एक सम्मान समारोह आयोजित कर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विजेता हुए समाज के लोगों को सम्मानित किया गया। इस दौरान नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य मुखिया एवं पंचायत समिति सदस्य का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में बोकारो जिला के जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी को सभा की ओर से विशिष्ट अतिथि के तौर पर सम्मानित किया गया। साथ ही समाज के लगभग 100 से अधिक पंचायत में जीते नव निर्वाचितों को अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू की अध्यक्षता में की गई। सभा को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि वर्ष 2010 से लगातार हर वर्ष की नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को सम्मानित कर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। उन्होंने सभी जन प्रतिनिधियों से कहा कि आप सभी समाज को दिशा और दशा देने में सहयोग करें। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए लोगों को मिलने वाले हक को देने का प्रयास करें। मौके पर सुखदेव प्रसाद साहू, देवेंद्र गुप्ता, सत्यप्रकाश, संजय साहू, बबलू साहू, देवराज, मनोज साहू, सुचिता देवी, प्रमिला देवी, खुशबू कुमारी, मनोहर साहू समेत कई लोग मौजूद थे। पूर्व परंपरा के अनुसार इस साल भी दिल्ली जिला तहसील साहू सभा की ओर से पंचायत चुनाव 2022 में न निर्वाचित जन प्रतिनिधियों का सम्मान समारोह आयोजित की गई। हमारे जितने भी साहू समाज के जन प्रतिनिधि जीत के आए उन्हें मोमेंटो एवं साथ देकर सम्मानित किया गया और उन लोगों से आग्रह किया गया कि समाज के प्रति आप अपनी भावना को आगे रखें और सहयोग करें ताकि आपका समाज आपके सहयोग से आगे बढ़ सके और विकास की गति को दे सके। दलित साहू सभा की ओर से जो सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जो हमारे गिरिडीह जिला से, हमारे गिरिडीह जिला के बगल से भी जिला परिषद के चेयरमैन सुनीता देवी और उनके पति रंजन साहू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो गिरिडीह आपको पढ़ा रहे हैं, और तमाम गिरिडीह जिला के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज इस प्रकार का सम्मान समारोह हमने आगे भी किया था और आगे भी हम लोग का प्रोग्राम जारी रहेगा। भारत की सबसे प्रतिष्ठित विश्वसनीय व अग्रणी कंपनी टाटा का उत्कृष्ट उत्पाद वोल्टास और वोल्टास बेको का शानदार शोरूम खुल गया है गिरिडीह के बड़ा चौक में। यह झारखंड का 10वां शोरूम है। विश्व स्तरीय आधुनिक तकनीक से लैस वोल्टास के बहुत ही उपयोगी उत्पाद में एसी, कूलर, वीजी कूलर, वाटर डिस्पेंसर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव और डिश वॉशर उपलब्ध है। ओपनिंग ऑफर के तहत प्रत्येक खरीदारी पर आपको मिलेगा निश्चित उपहार। अगर आपको आधुनिक तकनीक वाला वोल्टास का उत्कृष्ट उत्पाद होलसेल रेट पर चाहिए तो वोल्टास बेको का शोरूम अवश्य आइए। हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध। पता नोट कर लें, बुलेट शोरूम के ऊपर, फर्स्ट फ्लोर, बड़ा चौक, गिरिडीह। बरगंडा रोड में आविष्कार डायग्नोस्टिक के निकट खुल गया है सिटी मेडिकल, जिसके संचालक प्रफुल्ल चंद्र राय को दवा के क्षेत्र में 30 वर्षों का अनुभव है। इस सिटी मेडिकल में भेलोर, रांची, पटना, कोलकाता या महानगरों में बड़े बड़े अस्पतालों में डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयां उपलब्ध है। आप यहां ऑर्डर पर भी दवाइयां मंगवा सकते हैं। इस मेडिकल शॉप में 24 घंटे दवा उपलब्ध होगी, यानी कि रात में इमरजेंसी के समय दवा यहां से लिया जा सकता है। साथ ही यहां फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। सिर्फ आपको स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन कर दवा ऑर्डर करना है। दवा आपके घर पर तुरंत पहुंचाई जाएगी। सिटी मेडिकल का पता बरगंडा रोड आविष्कार डायग्नोस्टिक के निकट गिरिडीह। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर ए अली सिद्दकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। झारखण्ड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन डेवलपमेंट यूनिट ने पहले चित्रकला प्रतियोगिता करवाई थी। बुधवार को बंदरकुप्पी में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस बाबत एसोसिएशन के अध्यक्ष सहदेव महतो ने जानकारी दी कि गुरु पूर्णिमा के दिन सभी विद्यालय के बच्चों को पुरस्कार वितरण किया गया।
जिसमें प्रखंड के 50 विद्यालय के बच्चों ने भाग लिया था और परीक्षा 2 सेंटर पर आयोजित हुआ था, जिसमें वर्ग 1 से 5 में प्रथम स्थान पर अंकुश कुमार, दूसरे स्थान पर अनुराधा कुमारी, तीसरे स्थान पर स्नेहा कुमारी और वर्ग 6 से 8 में प्रथम स्थान पर शीतल कुमारी, दूसरे स्थान पर उमा कुमारी और तीसरे स्थान पर रवीना कुमारी रही। वहीं संघ के संरक्षक अजित मिश्रा ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम छोटे विद्यालय में कराकर इन बच्चों की प्रतिभा को निखारने का काम संघ के द्वारा किया जा रहा है, जिससे उनकी प्रतिभा निखर जाए। मौके पर संघ के संरक्षक अजित मिश्रा, अध्यक्ष सहदेव महतो, सचिव प्रमोद कुमार, कोषाध्यक्ष प्रयाग महतो, विकास वर्मा, परमेश्वर वर्मा, राम वर्मा, गुल मोहम्मद अंसारी, परमेश्वर महतो, विद्यालय के शिक्षक आदि लोग उपस्थित थे। हमारे देश के भविष्य, कल देश के आप होंगे, आपसे मेरा देश होगा, और इन होनहार और प्रतिभावान छात्रों के लिए शायद हमारी संस्था कुछ कर पाती है तो उसको एक मूल्यांकन करके हम लोग अग्रसर होने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी विनती और मेरी अभिलाषा एक है कि आप लोग अपने विद्यालय के साथ में इस संस्था के प्रति अपनी प्रतिभा को समर्पित करने हेतु निरंतर प्रयास करें, अथकता रहे, और यहाँ के शिक्षक और आचार्य जो भी कार्यरत हैं सभी अपने समर्पण भावना से जब काम करेंगे तो शायद आपके विद्यालय और हमारी संस्था को लाभ मिलेगा, जिससे हमारे देश की पहचान बनेगी, क्योंकि हम लोग जो भी काम करते हैं वो मेरा देश के लिए होता है। झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को टुंडी रोड स्थित सदर विधायक के आवास पहुंचकर विधायक सुदीप सोनू से मुलाकात की। इस दौरान संघ प्रतिनिधियों ने उनका आभार जताया। बताया गया कि झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ने 2 महीने पहले गिरिडीह जिले में सेवारत माध्यमिक शिक्षकों की सेवा पुस्तिका और सेवा संपुष्टि जो लंबित था उसके निष्पादन के लिए ज्ञापन दिया था। तत्काल विधायक ने संज्ञान में लेते हुए उपायुक्त गिरिडीह को लिखित निर्देश देकर आवश्यक कार्यवाही के लिए कहा था। लंबित काम जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से जिला स्थापना समिति में उपायुक्त के समक्ष रखा गया और संतुष्टि हेतु से अनुमोदित किया गया। साथ ही जिले में सेवारत और कई सेवान्वित हो चुके उच्च विद्यालय के शिक्षकों के वेतनमान का मुद्दा पिछले 15 वर्षों से चल रहा है। इसे भी लेकर विधायक के प्रयास से जिला स्थापना समिति ने इस पर अपनी सहमति जताई और अब उम्मीद है कि बहुत जल्द वेतनमान के लाभ के लिए जिला शिक्षक पदाधिकारी कार्यवाही करेंगे। आग्रह किया गया कि सेवा संपुष्टि में किसी भी शिक्षक का नाम नहीं छूटे, इसलिए जिला शिक्षक पदाधिकारी से आवश्यक कार्य के लिए बात की जाएगी। प्रतिनिधिमंडल में संघ के जिला सचिव मोहम्मद अख्तर अंसारी, मुन्ना प्रसाद कुशवाहा, मिथुन राज और राजेश प्रसाद सिंह मौजूद थे। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more? The switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. श्री श्याम इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एन एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ फाइबोस ए मॉड्यूलर सीरीज एंड लाइटिंग्स एंड आल्सो डील्स इन पॉलीकैब एंड आरआर काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट बक्सीडी रोड गिरिडीह। स्टेशन रोड में स्थित होटल ब्लू वेल एंड रेस्टोरेंट में शादी विवाह पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग या अन्य समारोह का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ ठहरने की बहुत अच्छी सुविधा है, साथ ही यहाँ के रेस्टोरेंट में बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन परोसा जाता है। यहाँ बहुत ही जायकेदार बटर चिकन, क्लासिक मशरूम, अफगानी लॉलीपॉप, पनीर मंचस्का या अन्य व्यंजन का स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे। इंडियन चाइनीज या तंदूरी व्यंजन का स्वाद लेने एक बार अवश्य पधारे। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही आप जोमेटो से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो फोन उठाएं और अपने मनपसंद व्यंजन को अभी ऑर्डर करें। एक बार स्वाद का पता अवश्य नोट कर लें। होटल ब्लू व्हेल, सेकंड फ्लोर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। गायत्री शक्तिपीठ तिरंगा चौक के समीप पिछले 2 दिनों से चल रहे गुरु पूर्णिमा पर्व का समापन पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ से हो गया। बताया गया कि पहले दिन मनुष्य मात्र के उज्जवल भविष्य एवं कल्याण हेतु गायत्री महामंत्र का अखंड जाप किया गया और दीप महायज्ञ संपन्न हुआ। यहां बुधवार को संपन्न यज्ञ का संचालन पूनम गुप्ता, उर्मिला बर्णवाल एवं वनिता देवी ने संयुक्त रूप से किया।
सर्वप्रथम गुरु पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस शुभ अवसर पर जिला युवा प्रभारी अरुण कुमार ने कहा कि अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक एवं संरक्षक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा 3500 पुस्तकों का लेखन किया और पूरे भारत वर्ष में लगभग 3000 गायत्री शक्तिपीठ एवं चेतना केंद्रों का निर्माण किया, जहां से उनके विचारों एवं संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम में लगभग 50 लोगों ने वेद मंत्र गायत्री की दीक्षा ग्रहण की, साथ ही 5 बच्चों का विद्यारम्भ संस्कार, 1 विवाह दिवस संस्कार सम्पन्न हुआ। लगभग 500 लोगों ने सबके उज्जवल भविष्य के लिए यज्ञ भगवान को आहुतियां प्रदान की एवं देव दक्षिणा स्वरूप अपने जीवन के एक एक बुराई का परित्याग करने एवं जीवन में अच्छे कार्य हेतु सहयोग का संकल्प लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य प्रबंधक कामेश्वर सिंह, दर्शन पंडित, दयानंद प्रसाद, भागीरथ प्रसाद सिंह, अमित कुमार, प्रकाश मंडल, अरुण भदानी, प्रकाश गुप्ता, अभिषेक रजक, रंजीत कुमार, पूनम गुप्ता, पार्वती बर्णवाल, उर्मिला बर्णवाल, विनीता देवी, यशोदा देवी, अर्चना देवी, रोशनी देवी सहित महिला मंडल की बहनों का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बिरनी थाना क्षेत्र के हरिहरपुर में पति पत्नी और छोटे से बच्चे को मारपीट कर घायल कर दिया गया। तीनों का इलाज बुधवार को सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि 28 वर्षीय राजू साहू, उसकी पत्नी व बेटा घायल हैं। बताया गया कि मंगलवार शाम को इसकी बकरी बगल के घर में चली गई थी, जिसे लाने के लिए इनका बेटा आर्यन साहू गया था। सबसे पहले बच्चे को भीखी साहू ने मारा और धक्का देकर जमीन में गिरा दिया। जब यह बात राजू साहू को पता चली तो इसने आज सुबह पड़ोसियों से पूछताछ की, जिसके बाद पड़ोसियों ने गाली गलौज शुरू कर दी। हल्ला गुल्ला होने के बाद उसके परिवार वाले लाठी और लोहे का रॉड लेकर आए और मारपीट शुरू कर दी। घटना में राजू का सर फट गया। इस दौरान बीच बचाव करने आई इसकी पत्नी को भी मारने लगे। आरोप है कि जब यह बेहोश हो गए तो महिला के गले से 10 ग्राम का सोने का चेन भी छीन लिया और इसके पति के जेब से 1350 रुपए निकाल लिए। मारपीट का आरोप भीके साहू, रामचरण साहू, कार्तिक साहू, बजरंगी साहू, राजेंद्र साहू, चिंता देवी आदि पर लगा है। अपनी पास सूत्री मांगों को लेकर नगर निगम के तमाम कर्मचारी व मजदूर का 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल बुधवार को खत्म हो गया। बता दें कि झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लाइज फेडरेशन के बैनर तले निगम कर्मी अपनी मांगों को लेकर सोमवार से निगम कार्यालय परिसर में हड़ताल पर थे। हड़ताल का नेतृत्व राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक सिंह कर रहे थे। हड़ताल के कारण शहरी क्षेत्र में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है, जगह जगह कूड़े का ढेर जमा हो गया है। इस दौरान सभी कर्मचारी एवं मजदूर अपनी मांगों के समर्थन में राज्य सरकार के खिलाफ नारा लगाते दिखे। इस दौरान मुख्यमंत्री से मांग किया गया कि वर्षों से लटके पड़े मांगों को पूरा किया जाए। मुख्य मांगों को लेकर बताया गया कि वर्षों से कार्यरत अनुबंध कर्मी, दैनिक वेतन भोगी कर्मी की सेवा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में नियमित किया जाए। सरकार द्वारा दी जाने वाली स्थापना मद से 70% आवंटन को बरकरार रखी जाए। निकाय कर्मियों को सरकारी नियमानुसार 100% पेंशन की व्यवस्था की जाए। निकाय कर्मियों को 20 लाख रुपए की बीमा लाभ देने, तमाम निकाय में कार्य कर रहे एनजीओ को समाप्त करते हुए उसके कार्यरत कर्मियों को निकाय में समायोजित किया जाए। साथ ही जब तक दैनिक वेतन भोगी अनुबंध कर्मी का सेवा नियमित नहीं होता है तब तक नई नियुक्ति निकाय के अंदर नहीं की जाए, मांगे शामिल है। इस दौरान राष्ट्रीय संगठन सचिव ने कहा कि कोविड के समय निकाय कर्मी अपनी जान की परवाह न करते हुए लगातार कार्य किए। इस राज्य में सबसे ज्यादा शोषण निकाय के अंदर दलित आदिवासी का हुआ है। 10 साल की सेवा नियमित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और राज्य के कैबिनेट ने भी हाँ कह दिया, परंतु राज्य के नगर विकास मंत्री इसे लागू नहीं किए। बताया गया कि यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 2-3 दिन के बाद व्यापक रूप से हड़ताल किया जाएगा। मौके पर लखन हरिजन, साबिर अंसारी, राम कुमार सिन्हा, लखन शर्मा, केदार हरिजन, मृत्युंजय कुमार सिंह, शंभू कुमार सिंह समेत कई निकाय कर्मचारी व मजदूर उपस्थित थे।
झारखंड लोकल बॉडी जिपलाइज फेडरेशन के आह्वान पर 11 तारीख से शुरू हुआ था हमारा सांकेतिक हड़ताल। आज 13 तारीख को तीसरा दिन समाप्ति पर हम जा रहे हैं। निश्चित तौर पर पांच सूत्री मांग को लेकर ही हमने हड़ताल किया था और हम साफ शब्दों में बता दें कि इस राज्य में सबसे ज्यादा अगर शोषण किसी का हुआ है तो निकाय के अंदर में दलित आदिवासी कर्मचारी जो 90% है इनका शोषण हुआ है। कोरोना काल में जिनको सारा लाभ था, बीमा था, वेतन था, पेंशन था, वो कोरोना मरीज को छूने से डरता था, लेकिन जो डेली वेज पर नगर निगम निकाय के अंदर काम करने वाले मजदूर थे जिनको मरने के बाद उनके परिवार को कुछ नहीं मिलना था, उन्होंने ही सारा काम किया। यह सरकार को समझना चाहिए कि जिस कोविड में इस मजदूरों ने जान पर खेल करके हमारा कार्रवाई किया और उसके साथ जो हमने 10 साल पहले एग्रीमेंट कर दिया था कि तुमको 10 वर्ष की सेवा पर नियमित करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, हाई कोर्ट ने भी कह दिया, झारखंड सरकार कैबिनेट ने स्वीकृति दे दिया, उसके बावजूद भी नगर विकास मंत्री हेमंत सोरेन हैं, वही मुख्यमंत्री हैं, अगर नियमित नहीं कर रहे तो इससे बड़ा दर्दनाक और बात क्या हो सकता है। दूसरी चीज, जो 70% निकाय के कर्मियों को सरकार अनुदान और इनके रूप में देती थी स्थापना मद में, उसको इन्होंने कहा कि हम शून्य कर देंगे, हम नहीं देंगे, और उल्टे निकाय का पैसा 40% आकांक्षा को, 20% श्री पब्लिकेशन को बाध्य कर दिया कि इतना पैसा उसको दो। क्यों? तो इसलिए कि उससे डायरेक्ट कटौती होकर के कमीशन मिलता है और यही स्थिति है कि समूचे राज्य के अंदर निकाय में कहीं 10 महीने से कहीं 8 महीने से वेतन बंद है। इस सारे मुद्दे को लेकर हम लोग हड़ताल पर थे, आज तीसरा दिन है, फिर हम अगले 2-3 दिन का फिर दूसरे चरण में करेंगे, उसके बाद दीपावली के पहले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सभी समूचे निकाय के लोग समूचे राज्य में चले जाएंगे। सांस्कृतिक संस्था आईना की ओर से बरगंडा रोड के रामा कॉम्प्लेक्स में बुधवार को एक्टिंग स्कूल ऑफ आईना का शुभारंभ किया गया। इस उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा और जमुआ जिला परिषद सदस्य कुमारी प्रभा वर्मा उपस्थित थी। यह मंच का संचालन शिक्षक मुन्ना कुशवाहा कर रहे थे। इस क्रम में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि आईना ने एक्टिंग स्कूल खोलकर गिरिडीह में छिपी हुई प्रतिभा को उभारने के क्षेत्र में सराहनीय कदम उठाया है। भविष्य में इन्हें जिस तरह के भी सहयोग आईना एक्टिंग स्कूल को चलाने की आवश्यकता होगी उसमें ये पूरा सहयोग करेंगे। कार्यक्रम में आईना के कलाकारों के द्वारा ऑल इंडिया ड्रामा कॉम्पिटिशन में प्रदर्शित किए जाने वाले नाटक दृष्टि दंश के क्लाइमेक्स सीन का मंचन भी किया गया जिसका निर्देशन महेश अमन ने किया था। कलाकारों में आदित्य, अतुल, आकाश, प्रगति, मेघा, तरुण, अंशु, राहुल, अंकित, तनिष्क, राजन, कृष, आयशा, अनन्या, इंद्रजीत, विकास, रंजन, फागुनी, दियाराज, निशांत भास्कर, प्रतिभाष्कर, पंकज कुशवाहा उपस्थित थे। मेकअप पुरुषोत्तम ने किया था, वहीं धन्यवाद ज्ञापन महेश अमन ने किया। शिक्षा दी जाए और वो बेहतर कलाकार बनके
गिरिडीह का नाम रोशन करें, झारखंड का नाम रोशन करें और भारत में अपना प्रभुत्व गिरिडीह जिला का दिखाने का काम करें। ये बहुत ही बेहतर इन्होंने आज अभियान प्रारंभ किया। ये स्कूल जो खुला है एक्टिंग स्कूल ऑफ वायना, इसके माध्यम से हर प्रकार के लोगों को एजुकेशन देने की व्यवस्था है। कोई रील भी बनाना चाहते हैं उसके लिए व्यवस्था है, कोई यहाँ पर नृत्य करना चाहते हैं उसके लिए व्यवस्था है, कोई एक्टिंग करना चाहते हैं उसके लिए व्यवस्था है। हर प्रकार का ट्रेनिंग का इनके पास स्किल है और उस स्किल को यहाँ पर बच्चों में देंगे और मैं समझता हूँ कि यह बेहतर होगा। रेडी का बच्चा अभी जिस प्रकार से हमने देखा, एक नाटक इन लोगों ने अभी प्रस्तुत किया हम लोगों के बीच में, एक जीवंत कला हमने देखा यहाँ के बच्चों में, इतना जीवंत कला नेचुरल एकदम लग रहा था कि भाई प्राकृतिक है, ये इसलिए तो शब्द है, ये कला नहीं हो रहा है, ये हम नेचुरल घटना देख रहे हैं। इस प्रकार का प्रदर्शन यहाँ के बच्चों ने किया और मुझे पूरा उम्मीद है कि यहाँ से बच्चे सीखेंगे और सीख करके आगे बढ़ेंगे। मेरी बहुत बड़ी शुभकामना महेश अमन जी को और इस पूरे टीम को और पूरे बच्चों को, गिरिडीह के वासियों को जो लोग इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, मेरी शुभकामना है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि यहाँ के बच्चे बेहतर प्रदर्शन करें, जी तोड़ मेहनत करें और आगे बढ़ें, आगे बढ़ के इस देश में यहाँ का नाम रोशन करें। धन्यवाद। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गिरिडीह नगर के तत्वाधान में गुरु पूर्णिमा सह गुरु दक्षिणा उत्सव मनाया गया। उत्सव की शुरुआत भगवा ध्वज लगाकर भारत माता, डॉक्टर हेडगेवार एवं गुरुजी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया गया। गुरु पूजन का यह कार्य नगर के 7 स्थानों पर सम्पन्न हुआ। मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के झारखण्ड प्रांत के कार्यवाह संजय ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरा विश्व गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाकर अपने गुरु के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। संघ व्यक्ति विशेष को नहीं बल्कि भगवा ध्वज को अपना गुरु मानते हुए पूजन कर रहा है। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में सन 1925 के विजयदशमी के दिन संघ की स्थापना की थी। संघ के तपनिष्ठ साधना को लेकर संघ वर्ष भर में 6 उत्सव का आयोजन करता है जिसमें गुरु पूर्णिमा उत्सव सबसे महत्वपूर्ण है। कहा कि हम 2025 में संघ की स्थापना का शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं। झारखंड में संघ का कार्य सन 1940 से प्रारंभ हुआ है। शताब्दी वर्ष पर हम सभी को मंडल स्तर तक दैनिक शाखा साप्ताहिक मिलन का कार्यक्रम करना है। संघ कार्य का विस्तार करने वाला ही स्वयंसेवक है और यह कार्य संघ के नित्य शाखा से प्रारंभ होता है। कहा कि देश की सुरक्षा के प्रति संघ हमेशा चिंता व्यक्त करता रहा है। आज हमें बाहरी विरोधियों से नहीं बल्कि आंतरिक विरोधियों का डटकर मुकाबला करना है। उपस्थित स्वयंसेवकों ने भगवा ध्वज को नमन कर गुरु पूजन सह गुरु दक्षिणा किया। अंत में संघ प्रार्थना से उत्सव का समापन हुआ। कार्यक्रम में जिला संघ चालक ब्रजनंदन प्रसाद, सह विभाग कार्यवाह मुकेश रंजन सिंह, व्यवस्था प्रमुख संजीव शर्मा, धर्मवीर राजेश शर्मा, संतोष खत्री, सुजित तरवे, अमित सिन्हा, शिवनंदन कुशवाहा, प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी सहित काफी संख्या में स्वयंसेवक उपस्थित थे। जिस प्रकार हमारे घरों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए, घर का भोजन आदि की व्यवस्था करने के लिए हम जो अर्जन करते हैं उसी से करते हैं। हमारे घरों में जो मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, शादी विवाह होते हैं, कोई उत्सव मनाते हैं, सत्यनारायण स्वामी की कथा करते हैं, तो क्या हम समाज से इसके लिए चंदा मांगते हैं? ये सब हम जो अर्जन करते हैं, अपने लिए जो धन कमाते हैं, उसी से बचत करके हम अपने पुत्र का विवाह करते हैं, पुत्रियों का विवाह करते हैं, बाकी सब कार्यक्रम करते हैं। तो यह काम स्वयं अपने द्वारा स्वीकार हुआ है तो इसका वहन भी हम सबको स्वयं से करना चाहिए। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। ओडिशा के राउरकेला साइबर थाना पुलिस ने अहिल्यापुर थाना पुलिस के सहयोग से 3 शातिर साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। ओडिशा के एक रिटायर्ड रेलवे कर्मी के बैंक से उड़ाए थे लगभग 15 लाख रुपए। अहिल्यापुर से 2 तो जामताड़ा से 1 आरोपी को किया गया गिरफ्तार। सोनबाद के पतारी गांव से गायब नाबालिग लड़की को बेंगाबाद पुलिस ने बोकारो से किया गिरफ्तार। नाबालिग को बहला फुसला कर भगाने की फिराक में था आरोपी सुलेमान अंसारी। ट्यूशन जाने के दौरान नाबालिग से की थी दोस्ती। सदर अस्पताल में कराया गया नाबालिग का मेडिकल जांच।
गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कई जगहों पर आयोजित हुआ कार्यक्रम, पतंजलि परिवार के द्वारा रेड क्रॉस भवन में किया गया योग प्राणायाम और यज्ञ हवन। इधर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में भी मनाया गया गुरु पूर्णिमा महोत्सव। आरएसएस के द्वारा भी आयोजित हुआ कार्यक्रम, व्यक्ति के जीवन में गुरु के महत्व पर डाला गया प्रकाश। और सीहोडी में राम जानकी फैशन के द्वारा लगाया गया निःशुल्क कांवरिया शिविर, सदर विधायक व गांडे के निवर्तमान विधायक समेत कई गणमान्य रहे मौके पर मौजूद। तो ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।